हेलो गाइस, नमस्कार दीदी, नमस्कार। ये कौन आया होगा? ये है यमन। जय करो। ये इंदर का छोटा सा वो मार रहा यार, दीदी को मार दिया, बुआ को मारा तूने, गंदी बात, सॉरी बोलो। ये ऐसी कहता हूँ, पुष्पा सब्जी ने आते चक्कर उसके गालों मार दिया। जय करो, जय करो, पा कर दो, पा। चलो बाय, तुझसे मिलेगा, ठीक है? ले उस पर ले जा। सो गाइस, तो मिलेंगे आपको सिराज तो सुंदर है इसके हनी, वो है धोनी, धोनी है उस पर एक थप्पड़ खा दी मैंने। ये लो, ये लो भैया, ठीक है? और बड़ी गाय, बड़ा गाय वो अंदर ही है। बाय, तो बाय है। हेलो दगड़ियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग इंदर आगे ब्लॉग में। गाइस, आज जा रहे हैं हम घटोत्कच महोत्सव चंपावत में, आगे बैठे हैं दी, हेलो करो। हेलो, कल से हम साथ ही हैं और एक नया मेंबर हमारे साथ, कांडपाल जी, आज दीपक जी आ रखे हैं और साथ में है छोटा भाई पंकज। और गाइस, मिलेंगे आपको सीधा और रास्ते में, देखो दीदी के साथ रील रील बनाएंगे, प्लस कहीं पे खाना आना खाएंगे बढ़िया करके, फिर दिखाएंगे आज ब्लॉग में आपको, बने रहे, बाकी शाम को देखते हैं आज कैसा होता। आवाज़ तो ऐसी हो रही है, कल जुकाम लग गया नैनीताल में, तो बने रहे इंदर आरिया ब्लॉग में। गाइस, मिलते हैं आपको बाकी। कहाँ पहुंच गए हम? कहाँ पहुंच गए भाई? ये वहाँ पहुंच गए, भूतिया गांव, उसके पीछे तो है वो साला। सुहा खान में सदाबहार भोजनालय लिखा है, देखो बगल में अभी यहाँ पर सूखी टांग है। हाँ, ये सदाबहार भोजनालय होटल का नाम है, तो यहाँ पर अभी खाना ना खाएंगे, अभी खाली गिलास पड़े हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में खाना। बॉडी बिल्डर भाई, भाई तो इंदर ने यहाँ पे स्टॉल खोल लिया व्यू पॉइंट के बगल में, चंपावत वाली रोड पे है ये। चलो काटो, देखो मेरी कटिंग, कटिंग देखो, कटिंग ये अरे कट गया, कट गया, ओ माय गॉड। महीन काटा है, मैगी खिलाओ एक आप भाई साहब, भाई एक आप मैगी कितने की देगा? एक आप मैगी लगती है, चाउमीन बन रखे मोमो, चाउमीन बन रहा है, एक पोर्शन मैगी आपको पूरा खाना, खीरा कितना सा हिस्सा मिलेगा आपको बता दूंगा। इंदर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमर को चस्का रहे थोड़ा। क्या कर रहे हैं? अब देखो आने का, ये देखो पत्थर गिर गया, अरे कितनी जल्दी आया हो, अरे 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 क्या चल, अरे आने की टैक्टिक को देखो उसके, अरे भाई जम मार है वो, देखो कैसे आ रहे गए सब, रिस्क वाला काम बहुत। पहले जब गांव में कोई गिरता था ना बच्चा, है जैसे बच्चा गिरेगा क्या कहते थे बच्चे को, है अंदर था, अरे अरे रोमर रोमर सॉकर नॉट गिरा होगा, खुश हो जाएगा बच्चा। एक फोटो बनाई थी हमारे भाने से मेरी, अरे मेरी मम्मी को समझ हमने कहा पहले आपसे यहाँ मिल लेते हैं, फिर भी वही मौसम दिखाना वही करना ना सम्मान वही कर। हाँ नहीं, मैंने कहा एक बार आपसे मिल तो लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा है कि इंजॉय हो गया तो फिर थोड़ा सही रहता ना। बिल्कुल,
किसने बनाया? जब बना रहे थे तो वीडियो बनाई थी क्या? हाँ, आपने वो अधूरी थी ना, उस समय खाली मेरी मेरी सिंगल बनी थी। क्या बात है, गजब है। पूरा डिक्टो शाम को मौत की याद दिला दी तुमने। सही बात है। कैसा लग रहा है दिवक भाई? है डिटेलिंग देख लो क्या? ये भाई ने पेंटिंग बना रखी है, देखो भयंकर पेंटिंग क्यों हुआ होगी? क्या हुआ? पेंट हो रहा है। अच्छा पोर्ट्रेट हुआ। आई डोंट नो यार, हमको क्या पता क्यों। मगर मजा आ गया भैया, गजब है गजब। सेम बना दिया यार आपने तो। लेकिन फिनिशिंग वो उसमें भी ना बहुत ज्यादा, मतलब फिनिशिंग ना। हाँ, अगर खुद से सीखा है, कहीं भी सीखा भी नहीं है वैसे। गॉड गिफ्ट भाई, तुमने भी खींचने आ जाओ। ब्लैक इन व्हाइट। हाँ सो गाइस, तो आज घटोत्कच महोत्सव बढ़िया था। रियाज करने हैं सावरे सावरे में, अलग परफॉर्म करने से। हो 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 बाय।
अब नेक्स्ट सॉन्ग की होगी यहाँ पर रिहर्सल, गुलाबी सराय। तो छोटी सी फरमाइश यहाँ पे, गाइस। तो तैयार हो गए हम। दीपक भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ। दीप बहुत अच्छा लगे, गुलाबी सरारा। दीपक भाई भी रेडी हो गए और मैं भी रेडी हो गया गाइस। और ये आज यहाँ ठंडा बहुत है और हम लोग बाद वालों को कुमाऊं द्वार का निमंत्रण देने वाले हैं स्टेज से। सो गाइस सीधे आपको मिलेंगे स्टेज पर, बने रहे इधर आर्या ब्लॉग में। बाकी आज का दिनचर्या देखें और ब्लॉग को सब्सक्राइब करें चैनल को। गाइस पंकज जीरा हमारा भाई कैमरामैन बहुत अच्छा कैमरा चलाते हो सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे हमारे सुपरस्टार छोटे भाई दीपक रावत जी हैं। बाकी ये घुसी मेले में गाड़ी घुसी और घुरा घुरा गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा रोटा मतलब उन जाना है कोई ये माँ जय पुत्र की जय बोलो नंदा सुनंदा मैया की जय बोलो नीम बाबा की जय। सो गाइस पहुंच चुके हैं स्टेज के पास। ये देखो गाइस भीड़ देखो कितनी हो रही है, बैठे हैं सब बढ़िया करके। और ये है देखो स्टेज, अभी दिखाऊंगा अच्छे से। तो जा रहे हैं स्टेज की तरफ। तो सीधा प्रोग्राम स्टार्ट। अरे कहाँ आना बताओ, कहाँ आना है? कहाँ आना है?
सो गाइस देखो यह है स्टेज और पब्लिक देखो गाइस कितनी आई है। हमारे सांस्कृतिक संध्या और स्टार नाइट कार्यक्रम की श्रृंखला में हम लोग एक टेलर यहाँ पर दे रहे हैं। हर जो हमारे आमंत्रित कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति लेकर के, तो अगले गायक स्टार नाइट के गायक जिनके गीतों की एक श्रृंखला है, ठुमक ठुमक जब ही तची तू पहाड़ी बाटों में गुलाबी सररा तेरो लहंगा की भलो साजी रो माधुरी माधुरी तेरे खुटा में झावरी आदि अनेक गीतों की श्रृंखला, उनमें से अनेक गीत और इसके अलावा भी गीत लेकर के आ रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर इंद्र आर्य जी को। इंद्र आर्य जोरदार तालियों से स्वागत। चले गए यार, बुलाओ यार। लोगों के लिए प्यार भरी नमस्कार, पहला प्रणाम और बहुत बढ़िया लग रहा आज में जो दूसर भरी गा रही है घटोत्कच महोत्सव में। तेरो लहंगा लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा I'm gonna make you mine।
सारी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। परसों भेजा था ज्यादा कुछ करके पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अपने सुपर सुपर गीतों के साथ इंद्र आर्य जी अच्छा मेरे साथ गाओगे ना सब लोग। अरे मेरा खान मडुआ घटा। अच्छा पहले भाई लोग आपकी बारी आई, देखते हैं कितना सपोर्ट कर दो। अरे मेरा खान मडुआ घटा। अरे तेरी बुलान मम्मी डैडी। क्या बात है, मजा आ गया। अब तुम्हारे बच्चे सब लोग मिलते सब लोग डांस करेंगे ना। अरे मेरा खाना मडुआ घटा। अरे तेरी बुलान मम्मी डैडी। क्या बात है, अभी लग रहा है आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अब सब लोग के हम माता है बहने भूली दीदी आप तबर बैठ से गाला ने। अरे मेरा खाना मडुआ घटा। अरे तेरी बुलान मम्मी डैडी। अब आप लोग की बारी है, ठीक है भैया आगे मत भैया। अरे मेरा खान मडुआ घटा। अरे तेरी बुलान मम्मी।
दोबारा से आऊंगे तो सावरी सावरी और गुलाबी सरारा, वैसे बहुत सारे गीत और बहुत कलाकार भी हैं, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद भाई इंदर आर्या जी, आपके यहाँ फैंस की भी एक बड़ी लंबी सूची है। आपके एक फैन यहाँ पर आए हैं जो आपकी मम्मी का और आपका हैंडमेड पोर्ट्रेट बना करके लाए हैं और वो यही पर आपको भेंट करना चाहते हैं। फैन है चंपावत में जो आपकी मम्मी का और आपका पोर्ट्रेट हैंडमेड बना आपको देना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हर्षित ओली जो आघाट से आए हैं और जोरदार तालियों से आपके और आज में जैसे ब्याह टाइम में 5-1 बजे में यहाँ होटल में पूजी तिवारी होटल
यार होटल में मुझे तो भैया का फोन आया कि मैं पोर्ट्रेट बना के लाया हूँ, और जैसे मैं बेड पे बैठा था और जैसे होता ना शाम का समय होता है कि पूजा पाठ करने का, तो मेरे एकदम से माँ की फोटो मेरे सामने आ गई। मैं एकदम इमोशनल हो गया कि ये पूजा पाठ का समय है, माँ की फोटो आ गई। पहली बार भाई ने बना के दी, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दिन दुगनी रात दुगनी, और बहुत ये भाई ने सीखा भी नहीं, खुद ही अपने मतलब इसके खुद की मतलब कला है, खुद ही इसने सीखा। जैसे बस ये माँ सरस्वती का वास और मम्मी पापा का जो आशीर्वाद है वो बना है, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हमेशा से देखा है कि जो कार्यक्रम होते हैं वो या तो कोई संगठन करते हैं या सरकार करती है, और हम कलाकार आते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं। पहली बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई आयोजन कलाकार करें, तो हमने हमारी सोच को एक नाम दिया इंदर भाई ने, कुमाऊं द्वार महोत्सव, जिसको हम कलाकार करते हैं। मैंने एक छोटा सा इसके पीछे कारण बताया है कि ये जो आयोजन है ये कलाकारों का, कलाकारों के लिए और कलाकारों द्वारा करने वाला आयोजन है। पिछले बार हमने किया था तो 5 दिन का ही प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे चंपावत के बेटे, हमारे भारत का गौरव पवनदीप राजन और अरुणिता दोनों उसमें आए थे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पवन के लिए और अरुणिता के लिए। पवन को बचपन से मैं जानती हूँ, पवन बचपन से हम लोगों के साथ था, लेकिन उस प्रोग्राम में आके पवन ने हमें सारा प्यार लौटा दिया जितना हमने उसे आज तक किया था। तो पवन, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, हम सारे कलाकार, तेरा गोविंदा, तेरी खुशी थी, हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। इस बार भी हम 5 दिन का महोत्सव करने जा रहे हैं, तो हम इस बार हमारे भारत माता की गौरवशाली बेटी मैथिली ठाकुर 15 अक्टूबर को उत्तराखंड पहली बार आ रही है हल्द्वानी में, तो एक बार मैथिली के नाम पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। और 16, 17, 18, 19 चार दिन हमारे उत्तराखंड के, हमारे कुमाऊं के, हमारे गढ़वाल के इस बड़े नामी गिरामी सुंदर आकर्षक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं और इंदर भाई हल्द्वानी से आपको निमंत्रण देने भी आए हैं, हमारे दर्शक दीर्घा में लटवाल जी बैठे हैं, आपको भी हम निमंत्रण देते हैं। इंदर भाई आप देखे आइए निमंत्रण को, लटवाल जी को, और पुलिस प्रशासन को भी निमंत्रण दीजिएगा। और समिति के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? मनोज बोरा जी, मनमोहन बोरा जी, उनको भी आप निमंत्रण दीजिएगा। दादा, आपने सारी कमेटी को लेकर और पूरे चंपावत को लेकर कुमाऊं द्वार महोत्सव में आना है, ये हम निमंत्रण देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी जी, कपड़े चेंज कर रहे हैं प्लीज बाबू, अब मैं बाहर यूनिक वीडियोग्राफर। भाई दीदी पूछ रहे हैं कि तेरे ब्लॉग से कुछ आ रहा है? दीदी 4वां महीने में पेमेंट आ रही है 7-8 हज़ार रुपये, बहुत है, घर परिवार चल रहा है, एक पेंशन लगी है 4 महीने में 8 हज़ार रुपये, ये गरीब रेख वाले मोदी जी ने लगा रखी है, ये यूट्यूब वाले ने लगाई है वहाँ से, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और राणा और चंपावत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। रोलर अप हो गया और यहाँ ऐसे धूल उड़ाती है यार, इतना डांस कर रहे भाई साहब, थक गए हम धूल दूर हो गए, इतना डांस कर रहे मजा आ गया। दीदी ना बाकी राणा डन भयो डन, तुम हर साल आते हो? भैया आजकल बच्चे अच्छे हैं, मेरा बेटा भी ऐसे ही है। कितने साल को आप? 10। मेरा बेटा भी 10 ईयर का है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th में। बड़ा लिखो खुद, तुमने क्या बनना बड़ा होगा? मेरा बेटा भी फुटबॉल और सेम हो गए। रोनाल्डो का फैन है वो? क्या नाम है तुम्हारा? यस 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 हमारे यहाँ पे 100 ही होते हैं ऐसा आता था वो। यस मेरे स्कूल में मेरे को दोस्त बोलते हैं यस यस, और मैं उनको उल्टा बोलता हूँ, मेरा नाम यस है नहीं, मेरा नाम यस है, वो बताओ क्या बोलते हैं? YES और मेरा नाम है YA। अच्छा अच्छा
कैसा बाकी लाल तर कंग में हाथ में चूड़ी चनेहरा लाल तर कंग में हाथ में चूड़ी चनेहरा आया हाय किया था एक फोटो लेता किया फाइनल गाइस शो खत्म हो चुका है और ये सेल्फी एल्फी मूवमेंट चल रही है इसके बाद घर ही जाएंगे सीधे और ये ब्लॉग का अरे हाथ में जोड़ो चलो ए बार कर लो कर लो कर लो
ले लो एक सेल्फी, चलो यार एक सेल्फी कैमरा एंट्री करो और ब्लॉग खत्म कर दो। जितनी भी बुक्स हैं, जिनके पास भी बुक्स हैं डकी ड्रॉ की, उनसे निवेदन है कि वो कल प्रातः काल उनको यहाँ आवश्यक रूप से जमा कर दें। आप तो हमको टाइम दे रहे थे यार, किसको दे रहा है? आपने कहा था कि तुम मारे मारो तुमने किस लाइट ऑन कर दिया इन्होंने, फोटोग्राफर होकर इनकी फोटो ही नहीं कहा और सबके खींच दी। चलो तीन चार बार तो डाल देंगे। हेलो गाइस, आप म्यूजिशियन आए, सब म्यूजिशियन म्यूजिशियन वाले खड़े हो जा रहे हैं। और मुझे जब भी फोन करते ऐसे बोलते बाबा मेरे बाप का शहर से धन्यवाद। और ये भी कहूँगा अच्छा लग रहा है, सभी लोगों से प्रणाम करते हुए कि बेटे हूँ तो हमारे इंदर जैसा, जिसने आज हमारे कुमाऊँ के, कुमाऊँ का ही कहूँगा फिर उत्तराखंड के गाने भी होने को, तो हमारे कुमाऊँ को जो देशों तक आपने फेमस किया लेता है, आपने बहुत प्राउड फील कराया। ये सब आपका आशीर्वाद प्यार है और बस धन्यवाद। और मेरी बहनी खुशी, वो है पवन की दीदी हुई है, खुशी दी 6 महीने बड़ी है मेरे से। मैंने कहा मैं आपको खुशी बोलूंगा, नहीं तू दीदी को खुशी गोद में ले गई। एक दिन गिर गया कीचड़ में और खुशी के पास गया, पापा मारेंगे दीदी मुझे बताना मत। खाना देख लिया कहाँ गिरा रहे, वहाँ रो लगाई थी। थैंक यू। हमारे तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इंदर दा